वामाक्षी, अगले हफ्ते के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज के साथ। तो हमारी नज़र होगी डोमेस्टिक फ्रंट पर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीपीआई और होलसेल प्राइसेस पर। यूएस मार्केट्स की तरफ से आने वाले सीपीआई और पीपीआई पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा ईसीबी रेट डिसीजन अगले हफ्ते है और ये भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर है जो हमें ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट्स में अगर हम देखें, काफ़ी बज़ हो रहा है रिसेंटली, हमारी नज़र होगी दो कंपनीज की लिस्टिंग पर जो है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स और रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग। इसके अलावा दो आईपीओस भी खुल रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए और ये आईपीओज है आरआर केबल लिमिटेड और समी होटल्स के। इसके अलावा ईएमएस लिमिटेड के जो आईपीओ है इसको सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है सितंबर 12 को, तो डेफिनेटली ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। सितंबर 12 को हमारी नज़र होगी पेटीएम पर, कंपनी की एजीएम होने वाली है और मैनेजमेंट की तरफ से क्या कॉमेंट्री आती है इस पर हमारी नज़र जरूर रहेगी। इसके अलावा टीवीएस सप्लाई चेन की पहले तिमाही के नतीजे भी आएंगे। एलएनटी भी फोकस में रहेगा क्योंकि ये स्टॉक को खरीद का आखिरी दिन है अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है, तो पावर ग्रिड को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको बोनस इशू के लिए एलिजिबल होना है और लॉक इन पीरियड खुल रहा है शेयर्स के लिए दिवगी, टॉर्क ट्रांस, आईक्यू लाइटिंग और एसबीएफसी फाइनेंस के लिए। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक भी हमारे रेडार पर रहेगा। एफटीएससी और सेंसेक्स का जो रीजिक है इसका रिलेटेड एडजस्टमेंट जो है वो सितंबर 15 को आएगा, तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। लॉक इन खुल रहा है 20% शेयर्स हैप्पीएस्ट माइंड्स का सितंबर 15 को और डेफिनेटली ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। G20 की समिट होने जा रही है न्यू दिल्ली में सितंबर 9 से सितंबर 10 तक। इसके अलावा एप्पल का एक मेजर इवेंट होने जा रहा है सितंबर 13 को, वंडरलस्ट ये इवेंट का नाम है और यहाँ पर आईफोन 15 की लाइन अनवील की जाएगी और नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट वॉचेस भी दिखाए जाएंगे। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स।